औद्योगिक क्षेत्र के थाना सेक्टर एक में पुलिस ने बीती रात महू नीमच रोड पर स्थित सुदर्शन कॉम्प्लेक्स में सत्येंद्र पटेल नामक व्यक्ति के फ्लैट में सेक्स रैकेट पकड़ा है। इस क्षेत्र में रैकेट की स्थानीय व्यापारियों से काफी लंबे समय से पुलिस को शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने छापामार कार्यवाही कर मौके से करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें करीब 4 पुरुष और 5 महिलाएं इस सेक्स रैकेट में शामिल मौके पर पाए गए। वहीं एक महिला बांग्लादेशी बताई जा रही है, जबकि सभी अन्य आरोपी आसपास के क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी देते हुए उप निरीक्षक ज्योति पटेल ने बताया कि सेक्स रैकेट चलाने की शिकायत पुलिस को लगातार मिल रही थी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और बीती रात सत्येंद्र पटेल नामक व्यक्ति के फ्लैट पर छापामार कार्यवाही की गई और वहां से इस रैकेट में शामिल महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। पीथमपुर से संजय सोनगरक रिपोर्ट। सर, कल एक देह व्यापार की कार्रवाई हुई, क्या थी कार्रवाई, क्या गिरफ्तारी हुई? लगातार लोगों से इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि देह व्यापार चल रहा है, तो सूचना पर हमारे थाने की उप निरीक्षक ज्योति पटेल मैडम ने स्टाफ को ले जाकर वहाँ दबिश दी, तो जिसमें 5 महिलाएं और 4 पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले, जिनको पकड़ के लाए और मुकदमा कायम किया है देह व्यापार की अधिनियम की धाराओं में। किस क्षेत्र में सर संचालित हो रहा था? और ये सुदर्शन कॉम्प्लेक्स के पीछे, जिसमें जिस मकान में संचालित हो रहा था उस मकान वाले को भी आरोपी बनाया गया, जांच जारी। आपका नाम? ओम प्रकाश बड़ोनिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।